हजरत जिना जिंदाबाद, हजरत जिना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित अपने भाई और कद्दावर नेता, यहाँ के सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता सुबोध कांत जी, उपस्थित हमारे आज के उम्मीदवार और कल के अवश्यम भावी विजयी उम्मीदवार राजेश कच्छप जी, जिनके समर्थन के लिए मैं आया और आपके समर्थन मांगने आया है। आपके हमारे अपने जितने कांग्रेस के हमारे परिवार के ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, हमारे अपने घर की विधायिका बैठी हैं, उन सबको मैं स्टेज पर उपस्थित तमाम लोगों को और महागठबंधन के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मैं और आज के सभा के अध्यक्ष महोदय को, आप लोगों के साथ साथ मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने कम समय की सूचना के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आ पाए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। यानी मैं कहने की आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू। अभी मुझे लगता है जो मैं देख रहा हूँ, मूड आप लोगों को देख रहा हूँ, लग रहा है पूरा वातावरण तैयार है ये झूठे खोखले वादों से, ये बड़ी बड़ी बातें, ये लंबे लंबे दावे इतने सुने, क्या क्या नहीं सुना। अगर यहां भी हो झारखंड की बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में कहा था कि जगह जगह बिजली नहीं आई झारखंड के कोने कोने में तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। बिजली तो आना दूर की बात है, पानी की समस्या देख लें, शिक्षा का देख लें, कितने स्कूल्स बंद हो गए, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे चरमरा गई हैं, कहते बहुत कुछ है होता कुछ नहीं है। इसके पहले कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं थोड़ा केंद्र की ओर आ जाऊं, जिनका इतना हमारे दोस्त है माननीय प्रधानमंत्री जी, इतना उनका डंका बजाया जा रहा है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। अरे मोदी है तो क्या बेड़ा गर्क हुआ है, काय का मुमकिन है, कोई मुमकिन तो है ही नहीं। मोदी ने जो नोटबंदी की किससे पूछ के किया था, किससे राय मशवरा किया, अचानक तुगलकी फरमान अहंकार दंभ में गरूर में अचानक उन्होंने रातों रात नोटबंदी की घोषणा कर दी। जरा ये भी नहीं सोचा कि इससे हमारे युवा पीढ़ी पे क्या गुजरेगी, किसानों की क्या हालत हो जाएगी, छोटे छोटे दुकानदारों की क्या हालत होगी, अच्छे अच्छे फैक्ट्री बंद हो गए, लोग और बेरोजगार हो गए, लोग सड़कों पे अपने पैसे के लिए लाइन लगाने लगे, अपने ही पैसे को निकालने के लिए कईयों को मरना पड़ा, कईयों को आत्महत्या करना पड़ा। सरकार की कानों पे जू नहीं रहेगी, ये भी नहीं सोचा कि हमारे अपने घर की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सालों साल पिता से पति से भी छुपाकर तकिए के नीचे आलमीरे के पीछे उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के इलाज के लिए, उन्हीं की शादी ब्याह के लिए, उन्हीं की पढ़ाई लिखाई के लिए कितने पैसे जमा किए थे कि अचानक एक रात सारे पैसे हवा हवाई हो गए, खत्म। अभी इस त्रासदी से आदमी उभर कर निकल ही नहीं पाया था कि फिर कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया। जीएसटी जो कोई को समझ में नहीं आ रहा है, लोग आंदोलन करने लगे, बड़े बड़े व्यापारी, कपड़ा व्यापारी वगैरह गुजरात में भी सड़कों पे आ गए, महीनों महीनों बाहर आ गए कि ये जीएसटी क्या बला है। कितने सारे अमेंडमेंट्स कर दिए जीएसटी में, साल में 364 दिन और 400 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जीएसटी को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें उसका। अब ये सारी चीजें हुई, मैं इसलिए कह रहा हूं संक्षेप में कि जब तक कारण पर रोशनी नहीं डालेंगे तब तक निवारण नहीं हो सकता है। कारण पर रोशनी डाल रहा हूं मैं, ये बला, ये शुरुआत, ये मुसीबत सबसे ज्यादा शुरू हुई तो नोटबंदी के बाद, लोग त्राहिमाम स्थिति में आ गए। जीएसटी के बाद इतने परेशान हुए कि होश पाख्ता हो गए,
यहाँ युवा पीढ़ी देख लो, हमारे घर की महिलाओं का कि असुरक्षा का मामला हो, सारी चीजों को आप देखो। और हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी सरकार है, इतना भी नहीं समझा उनको कि जनहित में राष्ट्रहित में एक आवाज उठाएं, कहें कि नोटबंदी गलत हुआ है, हमारे परिवार के साथ बहुत जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है, ये मत कीजिए सर, मत कीजिए सर। लेकिन चमचागिरी में, खुशामद में, खुशामदी बन के कुछ नहीं बोले, बल्कि उस जुर्म में, उस गुनाह में भागीदार बन गए, शामिल हो गए, जोर शोर से यहां लागू कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, पूरे देश में अगर नोटबंदी के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने सबसे पहली आवाज बुलंद की तो उसका नाम है आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू। जबकि मैं वहां था, वो लोग होश, उनके होश फाकते हुए उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप तो बगावत कर रहे हैं। हमने कहा मैं बगावत नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रहित में बात कर रहा हूं, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं और मानता हूं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। मैं जनता का नुमाइंदा हूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा बहुमत से वोट शेयर परसेंटेज से जीत के आया हूं। मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी जनता के प्रति है, इनके ऊपर आप इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते हैं। उनका ये तो बहुत बगावत हो रही है, हमें जाने दो। अगर बगावत है तो मान के चलो कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये परिवर्तन की घड़ी है, सोच लीजिए। राजेश जी तो आपके हमारे बीच में माध्यम है, मजबूत माध्यम का काम करेंगे। ये अगर जीत के आते हैं तो सही मायने में जीत आपकी होगी, जीत सच्चाई की होगी, जीत सिद्धांतों की होगी, जीत गरीबों की होगी, किसानों की होगी, महिलाओं की होगी और हमारे अपने नौजवानों की होगी, बेरोजगारों की होगी, उनकी जीत होगी। और आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मैं निस्वार्थ भाव से इस वक्त इतने कम समय की सूचना पे सुबोध कांत सहाय जी भाई के कहने पे मैं राजेश जी के समर्थन में खुलकर उतर रहा हूं, अभी एक पूरा तीन चार दिन से भव्य विशाल विशाल जनसभाएं करने के बाद अभी यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, फिर आऊंगा लौटकर। उसके पहले हमने कहा राजेश जी के साथ 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 देना है और राजेश जी के लिए बात करनी है, इसने बगैर समय का उल्लंघन किए हुए मैं यहां बात करने आया। और मैं कह रहा हूं कि जब मैं कर सकता हूं, मैं भी तो चाहता घर बैठ सकता था, मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आया यहां पे जनता के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए मैं आया इस परिवर्तन की घड़ी में। तो आप तो हमसे ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ज्यादा जोश है, जवानी है, जज्बा है। आप चाहें तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, आप ठान लें तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। दाद देती है गर्दिश दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जो मौत से टकराता है मौत झुककर सलाम करती है। आप कह सकते हैं यही घड़ी है, मौका छूटने न पाए। अगर अभी मौका छूट गए, सरकार को परिवर्तन और महागठबंधन को जिताना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है आज। अगर ये मौका छूट गया तो कहीं ऐसा न हो कि आने वाले 5 साल फिर हमें घुट घुट के जीना पड़े या शायद घुट घुट के मरना पड़े। इसलिए अब कोई भी आए महागठबंधन के खिलाफ या हमारे अपने कांग्रेस परिवार के खिलाफ कुछ भी कहे, राजेश जी के खिलाफ कुछ भी कहे, तो आप एक गुट और एकजुट होकर न कह सकते हैं खामोश। आप कहिए उन्हें खामोश और ये कहिए कि तू इधर उधर की मैं बात कर, ये बता कारोबार क्यों लूटा, आज देश की और प्रदेश की ऐसी हालत क्यों हुई है पहले बताओ। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवा क्यों लूटा, मुझे राह भरों से गिरा नहीं, मुझे राह भरों से गिला नहीं, तेरी राह भरी का सवाल है। ताली ताली कप्तान को मिलेगी,
तो गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। अगर आप तारीफ लोगे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो जब कुछ नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हो गया, तो फिर आलोचना भी आपको ही सुननी पड़ेगी कि प्रोपगंडा कराया था, बहुत प्रोपगंडा कराया था, लेकिन तुम्हारी बातों में दम नहीं है, तुम बिल्कुल नकारा निकले। और हमारे राजेश में बहुत जान है, राजेश में, और इसलिए राजेश को जिताना तो हम सबका कर्तव्य है। इसी कामना, शुभ कामना, मनोकामना और प्रार्थना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मौके की नजाकत को देखते हुए चुनाव बनाम चुनौती की घड़ी में ना सिर्फ राजेश को बहुमत से विजय बनाएंगे, बल्कि आज राजेश को मोहब्बत से विजय बनाते हुए अपने कांग्रेस परिवार के स्टॉक को और ऊपर बढ़ाते हुए महागठबंधन को विजय बनाते हुए आज अपने प्रदेश झारखंड को और कल पूरे देश को, राष्ट्र को एक नई लेकिन सही दिशा देने का शुभारंभ करेंगे। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार व्यापार परिवार जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, जय झारखंड, जय हिंद। और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे शैलेश मिश्रा जी जो हमारे सरपंच हैं, उसके पूर्व हमारे बीच में ठाकुर जी हैं, मास्टर साहब। ठाकुर जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभी ये रिटायरमेंट के बाद इनको जो है तो भारत सरकार के राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, ये ज्योतिषी में गोल्ड मेडल मिला है। मैं चाहूंगा कि इन्हें सम्मानित किया जाए। अब अनुरोध है हमारे शैलेश जी जो हमारे सरपंच हैं, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। श्री शैलेश, धन्यवाद अशोक सर। आदरणीय हम लोगों के बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय जी, फिल्म स्टार श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, एमपी से आए विधायक जी राजेश कश्यप जी, सुनील तिर्की जी, और इस प्रोग्राम में को सफल बनाने में जो मेरे प्रशासन के लोग, प्रेस मीडिया के लोग और इस मेरे पंचायत के माताएं, बहनें, अभिभावकगण जो इतनी संख्या में आज हम लोगों के बीच जो हमारे पंचायत में स्टार श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी आए हैं, इनके स्वागत में जो भीड़, जनसैलाब आप लोगों ने उपस्थित